अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आपका कमरा रोजाना रोजाना झाड़ू साफ होना चाहिए, पोछा होना चाहिए, और हर एक दो दिन में आप उसमें नमक जरूर डालें। नमक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा प्रसार करता है जिसका मैं आपसे इसका फायदा मैं बता नहीं सकता। और एक चीज समझ लीजिए, अगर आप लोग समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं या आपका किसी बीच पर या किसी समुद्री शहर में जाने का हो तो एक छोटा सा काम कर लेना। आप सबको होमवर्क दे रहा हूं, छोटा सा काम कर लेना। एक लीटर या दो लीटर समुद्र का पानी भर लेना, एक लीटर या दो लीटर समुद्र का पानी भर लेना, और आपके आपके शहर में ये जो साइंस लेबोरेटरी का सामान मिलता है ना, साइंस लेबोरेटरी का जो भी सामान मिलता है, आप उस दुकान पे जाके दो जार खरीद लीजिएगा जिसमें ऊपर डॉट लगा होता है और वाइट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस समुद्र के पानी को उसमें भर दीजिए आप। जब आप समुद्र के पानी को उसमें भर देंगे तो आप अपने घर में उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हों, कमरे के अंदर कहीं से भी आती हों और उस पर जरूर पड़े, वो आपके घर के अंदर ट्रांसफार्मर का काम करेगा। क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो पानी हजारों करोड़ों साल पुराना पानी है जिसके अंदर ओरिजिनल सॉल्ट है, ओरिजिनल सॉल्ट। और सॉल्ट में इतनी ताकत होती है, आपको एक चीज़ और शायद ना मालूम हो या मालूम हो तो अच्छी बात है, बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्यों पब्लिसिटी करूं, मुझे क्या नाम, कुछ देंगे वो मेरे आश्रम को दान जिससे कुछ गरीबों का भला हो जाए, लेकिन जो बड़े से बड़े घराने हैं वो लोग भी समुद्र पूजा करने जाते हैं। जी हाँ, समुद्र पूजा, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में जाकर समाती हैं। इस पृथ्वी पर 72% जो है उसी का राज्य है, तो वो जो दर्शन है वो सबसे शक्तिशाली है प्रकृति वाइज अगर देखा जाए, इसलिए उसकी पूजा करती है। और जितनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा ऊर्जा है, बड़े बड़े धनपति कुबेर समुद्र की पूजा करते हैं, स्पेशली जाकर करते हैं। तो समुद्र का जो जल है अगर आपके घर में है और इस तरीके से आपने उस बॉटल को डिज़ाइन कर दिया कि सनरेज आके टकरा के आपके घर में जा रही हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार इतना ज़्यादा होने वाला है कि आप कहेंगे वाह वाह मज़ा आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो नमक अपने पोछे में जरूर डालिए, थोड़ा सा उसको क्लीन कीजिए, आप देखेंगे कि आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा।